कह रहे हो कि आपको धमकी दी जा रही है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है आपको अपने अधिकार नहीं पता। और अधिकार कहां तक है? अधिकार तो यहां तक है कि आप ना केवल उनसे कंपनसेशन मांग सकते हो बल्कि आप उन्हें अरेस्ट करा सकते हो, 2 साल की सजा मिलेगी लोगों को। और ये लोग जो कान खोलकर सुन ले, अगर किसी को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट बनकर के क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए, वो किसी को धमकी नहीं दे सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते, मिसबिहेव नहीं कर सकते। आपका अधिकार है। आरबीआई उनको कहता है कि आप उनको पैसे के लिए तो बोल सकते हो, लेकिन जब आप गाली गलौज करते हो, और आप तो महिला है, महिला को कोई बदतमीजी कर दे, किसी फीमेल के साथ बदतमीजी कर दे, तो ये तो वैसे ही क्राइम है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले कोई रिकवरी एजेंट आपको गाली गलौज करता है, फोन पर करता है, तो फोन की रिकॉर्डिंग करिए। अगर वो आता है सामने तो वहां पर भी कोशिश करिए उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाए, या किसी को बोल दीजिए वो वीडियो रिकॉर्ड करे उसकी, ये प्रूफ हो जाए कि उसने आपके साथ बदतमीजी की, मिसबिहेव का, गाली गलौज किया। अब क्या करना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए और वहां उसकी शिकायत करिए, उसका नाम, उसकी डिटेल बताइए, कौन से बैंक से था उसकी डिटेल बताइए, और उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करिए। अभी हुआ हमारे साथ नासिक में, एक महिला को और उसके पति को ऐसे परेशान किया जा रहा था, वहां हमारी टीम ने उनको गाइड किया, तो उन्होंने जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। पहले तो वो रिकवरी एजेंट और बदतमीजी कर रहा था कि आप पुलिस को बुलाओगे, करोगे, मैं देख लेता हूं। जब वो पुलिस स्टेशन चले गए और वहां से पुलिस वालों ने फोन किया, तब उसकी हेकली खत्म हुई, तब उसे समझ में आया कि मुझसे गलती हो गई है। उसने वहां रिटर्न में माफी भी मांगी और उसने कहा कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, और उसने दबाव डाला कि केस ना किया जाए, तो हमारी टीम के लोगों ने उन्होंने बोला कि भाई आप डिसाइड कर लो, केस करोगे तो आपको आगे कोर्ट जाना पड़ेगा, बट अगर केस कर देते और कोर्ट जाते तो कंपनसेशन भी मिलता और उसको 2 साल की सजा भी होती। खैर उन्होंने तय किया कि नहीं करना, वो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितनी पनिशमेंट देना चाहते हैं, लेकिन वो हरेस नहीं कर सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता। और जैसे मैंने बार बार कहा है कि जो गाइडलाइंस है सरकार की, आरबीआई की भी गाइडलाइंस है और अलग अलग अथॉरिटी ने गाइडलाइंस दी हुई है कि रिकवरी के लिए क्या करना पड़ेगा। जो डेप्ट रिकवरी एजेंट होते हैं डीआरए का, उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर जिस कंपनी से वो काम करते हैं उस कंपनी का उनके पास कोई आई कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जनरली बैंक आउटसोर्स कर देते हैं। जिस बैंक के लिए काम कर रहे हैं, मान लो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, या किसी और बैंक का भी है, उस बैंक का उनके पास जॉब ऑर्डर होना चाहिए, वर्क ऑर्डर होना चाहिए उस कंपनी को। अगर वर्क ऑर्डर नहीं है तो वैसे नहीं कर सकता। और जो डीआरए का सर्टिफाइड रिकवरी एजेंट होगा ना, जिसने कोर्स किया होगा, सर्टिफाइड होगा, वो गाली गलौज नहीं करते हैं। ये होता क्या है, जो इनरोल नहीं होते, उनके ऑन पैनल उनका इनरोलमेंट नहीं होता है, उनको दिखाते नहीं है कि वो रिकवरी एजेंट है, लेकिन उन बदमाशों को कई जगह रखा हुआ है। बिहार में भी ऐसी कंप्लेंट आ रही है, मध्य प्रदेश में भी आ रही है। तो यदि आपके साथ कोई गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो ये आपके अपने अधिकार पता होने चाहिए। आप सजा भी दिला सकते हैं और कंपनसेशन भी, अगर आप कोर्ट में केस कर देंगे, मतलब थाने में जाएंगे और उसकी पुलिस कंप्लेंट करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे और केस में वो आएगा और उसको सजा भी मिलेगी, 2 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें, और कंपनसेशन भी मांग सकते हो कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, आपने पैसा लिया, ठीक है आपको पैसा देना है, आप दे देंगे, आप उसको बोले कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, मैं बैंक से समय लेना चाहता हूं, या मेरी स्थिति ठीक नहीं है, जो भी कही है, लेकिन आपको कम से कम अपने अधिकार पता होने चाहिए। कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके साथ बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, इसको स्वीकार नहीं करना। और महिलाओं के साथ तो कोई वैसे भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता यार, आपको थोड़ा जागरूक बनना पड़ेगा और आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। आप डरते रहोगे, आपको लगेगा बैंक वाला व्यक्ति आ गया। ज्यादातर रिकवरी